फरीदाबाद के कचहरी पर पहुंचे राष्ट्रीय बजरंग दल महानगर के द्वारा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया। दिए गए ज्ञापन में थाना छजलैट के अंतर्गत ग्राम जमालपुर मुंडा नगला में काफी समय से मदरसा संचालित किया जाता है, जहां पर ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाया गया कि मदरसे में सामूहिक रूप से नई प्रथा को शुरू किया गया है और नमाज कराई जा रही है। इन सभी बातों को लेकर ज्ञापन दिया गया। भारी संख्या में राष्ट्रीय बजरंग दल और स्थानीय निवासी मौजूद रहे। ज्ञापन के बारे में प्रदर्शनकारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, आज राष्ट्रीय बजरंग दल मुरादाबाद के द्वारा माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हम सबका कहना है कि मुरादाबाद थाना छजलैट के अंतर्गत जमालपुर मुंडा नगला जो गांव है, उस गांव में 2013 में एक निजी संपत्ति पर मुस्लिम समाज ने मदरसे का निर्माण किया था, जिसको माननीय अधिकारियों के द्वारा और गांव की मध्यस्थता के बीच में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, परंतु आज उस मदरसे के अंदर मुस्लिम समाज सामूहिक नमाज करा रहा है, लाउड स्पीकर लगा रहा है, जिसका हिंदू समाज विरोध करता है। और जब उसका विरोध करा तो उन लोगों के द्वारा चामुंडा में अंडे और मांस फेंकने जाने शुरू कर दिए गए, जिसका राष्ट्रीय बजरंग दल पूर्ण रूप से विरोध करता है कि हम ये चाहते हैं एक तो गांव के अंदर नवीन परंपरा ना पड़े, जिस मदरसे के अंदर सामूहिक नमाज हो रही है वो अविलंब प्रतिबंध लगाई दे, दूसरी चीज उस मदरसे की जांच हो जिसके अंदर निरंतर बाह्य तत्वों का आना जाना है, और जो चामुंडा के अंदर मांस और अंडे फेंके जा रहे हैं उस चामुंडा का जीर्णोद्धार हो सके, ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना गांव के अंदर ना घटित हो सके। आपने कोई ज्ञापन दिया है? हमने एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को दिया है।